सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार, कैसे हो आप सभी? आज की वीडियो में फिर से यार उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिक्स ईयर प्रोग्राम यानी कि टेंथ बेस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स ईयर प्रोग्राम के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए ये सीरीज हमने शुरू की थी। और जैसा कि मैंने अभी बोला, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वीडियो के लास्ट के अंदर मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाए थे। लास्ट में बोला था, जो नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज द सिंबल, कौन सा सिंबल यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने अगर देखा होगा तो उनको पता भी होगा कि हमने यह क्वेश्चन किया था। आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। बोथ ए एंड बी यानी कि प्रोडक्ट जी और रिएक्टेंट जी, और प्रोडक्ट यहाँ पे डैश लग रहा है और रिएक्टेंट फिर आगे ये डैश लग रहा है, ये दो इंडिकेट करते हैं गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, ठीक है भाई। When dilute HCl, dilute hydrochloric acid को जब जिंक पीस के ऊपर एडिड टू जिंक पीस टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक पीस हमने रख रखे हैं, उसके अंदर डाइल्यूट HCl अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, या कलर का चेंज होगा, या जो भी चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो आंसर है यार, स्मॉल बबल्स ऑफ H2 अपीयर्स, यानी कि हाइड्रोजन H2 के आपको छोटे छोटे बबल्स उसके अंदर दिखेंगे। ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसीज, जहां जहां पे जिंक के छोटे छोटे जो पीसीज पड़े हैं उनके ऊपर आपको बबल्स दिखाई देंगे H2 के, ठीक है भाई, जब उनकी रिएक्शन होगी। डाइल्यूट HCl है भाई, ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड नहीं है। Which of the following is physical change? नीचे दिए गए चेंजेस में से कौन सा फिजिकल चेंज है? बर्निंग ऑफ वुड, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो दही बनता है जब दूध से, वो भी यार रिएक्शन हो गई। राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या है? आपको लगेगा कि ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है वो एक फिजिकल चेंज है, बट ये भी फिजिकल चेंज में नहीं आ रहा है। फिजिकल चेंज में लकड़ी जलती है, वो भी नहीं आ रही है। सॉल्ट को जब हम सी वाटर से अलग करते हैं तो उसको फिजिकल चेंज माना जाता है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के अंदर आपको डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल भी हमने, सॉरी परसों जो वीडियो आई थी उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो। आगे काफी बड़ा क्वेश्चन एक आ रहा है भाई। A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to beaker containing acidified permanganate solution, ठीक है, permanganate solution, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले तो इस तरह के बड़े अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से उनको समझिएगा। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो बीकर जिसके अंदर एसिडिफाइड परमैंगनेट है उसके अंदर ऐड किया जाता है। लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर्स। तो लाइट पर्पल कलर जो है सॉल्यूशन का, वो पहले तो धीरे धीरे फेड होगा और बाद में डिसअपीयर हो जाएगा। तो नीचे दिए गए जो चार पांच आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी सही एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन है? तो आपको पहले तो उनको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, डाइल्यूट फेरस सल्फेट को एसिडिफाइड यानी कि एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन के अंदर जब मिलाते हैं तो एक लाइट पर्पल कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है और वो धीरे धीरे फेड होता है, फिर वो डिसअपीयर यानी कि खत्म हो जाता है। तो क्या नीचे चार ऑप्शन दिए गए उनमें से सही ऑब्जर्वेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है? तो KMnO4 is oxidizing agent, it oxidizes FeSO4 is the correct answer, ठीक है भाई। KMnO4 जो है वो oxidizing agent है और वो oxidize कर देगा FeSO4 यानी कि ferrous sulfate को, dilute ferrous sulfate ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको oxidize कर देगा। A substance is added to food containing fats and oil is called, तो एक substance जो कि फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल के अंदर ऐड किया जाता है तो वो होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ताकि वो उसको ऑक्सीडाइज ना होने दे। जो भी फूड होते हैं ऑयल वाले या फिर फैट वाले, वो खराब हो जाते हैं अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट के अंदर मतलब अंदर रखा जाता है। जैसे कि हम चिप्स कुरकुरे वगैरह खाते हैं तो पैकेट के अंदर हवा जो भरी हुई होती है वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है भाई। हम ये सोचते हैं कि इसके अंदर हवा भर दी बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 और ब्रैकेट में NO3 है, बार 2 है, ये इसका फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट का। जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है? PbO लेड ऑक्साइड सॉलिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे, ठीक है भाई, तो ये हमें लेड ऑक्साइड देगा, वो तो होगा सॉलिड की फॉर्म में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी वो होगी गैसियस फॉर्म में, ठीक है।
व्हाट आर द कलर ऑफ लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा उसका कलर क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होगा। तो भाई इसका आंसर आप देख सकते हो, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी ब्राउन कलर की और लेड होगा आपका, लेड ऑक्साइड होगा आपका येलो कलर का। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कलर कलर की काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे। कभी किसी सॉल्यूशन का अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो कलर गायब हो जा रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले किया, तो देख लो। अभी आप ऑब्जर्व कर लो कि किस तरह के यार एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज, नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो कौन सी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, सी प्लस ओ टू फॉर्म सी ओ, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सिमिलरली नीचे दो ऑप्शन और दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि उसके अंदर एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, नॉट रिलीज्ड। एनर्जी अगर रिलीज होती तो उसको वो सारी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, और जिसके अंदर रिलीज नहीं होती है, जरूरत होती है एनर्जी की, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग इट बिकॉज इट इज कोटिंग ऑफ, अरे भाई थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले नहीं पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन करवाया था आपको, और आंसर बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा, वीडियो देखी है तो लिखा हुआ भी नीचे आ गया है। इथेन, सबसे पहले इथेन यहाँ पे फॉर्मूला के लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो भी आपको पता होना चाहिए इथेन का फॉर्मूला, C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गेव CO2 एंड वॉटर। जब C2H6 का कंबशन होता है तो हमें एक तो CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि वॉटर मिलता है, ठीक है भाई। ये क्या दर्शाता है, इट शोज दैट रिजल्ट आर अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो अभी आपको रिएक्शन बैलेंस अगर करना आता है और आपको पता है डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में, डीकंपोज कैसे होते हैं, ठीक है भाई। तो C2H6 अगर एक तो हमें CO2 दे रहा है और साथ में दे रहा है वॉटर, तो ऑक्सीजन का कोफिशियंट क्या होगा, तो ऑक्सीजन का कोफिशियंट क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, 7/2। ये कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या रहता है, ये भाई आप 10th के अंदर कर चुके ऑलरेडी साइंस के अंदर, यहाँ पर मैं आपको अगर लिख के बताता होता तो एक्सप्लेन कर देता, अभी स्क्रीन रिकॉर्ड है तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये, आपको लग तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, नहीं पता है तो आप इन चीजों को कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और मेनली जब आप करोगे ना, जिन स्टूडेंट्स को पता है यार मास वगैरह के बारे में, पीरियोडिक टेबल की थोड़ी नॉलेज है, और जिस स्टूडेंट को रिएक्शन को बैलेंस करना आता है वो आसानी से ये चीज निकाल लेगा। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या इन्वॉल्व करता है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर किया था, अभी बात आ गई द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, तो रिडक्शन के प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होता तो यहाँ पे आता एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो पिछली वीडियो में आया हुआ था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन फिलिंग्स जो होती है जब उनको हीट किया जाता है डाइल्यूट HCl के साथ तो क्या मिलता है भाई हमें, तो Fe3 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो Fe3 क्लोराइड मिलता है एक तो, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये दो चीजें हमें मिलती है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और अभी इसके बाद बात कर लेते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैसे तो आपको इसका आंसर मैंने नहीं दिखाना था, गलती से दिखा दिया क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन रखने वाला था मैं। Assertion, जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से तो एक तो हमें जिंक सल्फेट मिलती है एंड हाइड्रोजन गैस, एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रीजन, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, ठीक है भाई। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि एक ऊपर आपको दिया गया assertion, नीचे दिया गया रीजन, तो assertion और रीजन दोनों ट्रू है या फिर दोनों गलत है, क्या इसमें से सही रहेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। बोथ ए एंड आर, assertion एंड रीजन दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए,
जो रीजन दिया गया है वो assertion की correct explanation नहीं है, ठीक है भाई। आगे का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चार ऑप्शन दिख गए हैं भाई। A reaction of hydrogen with oxygen to form water is a, ये endothermic है, exothermic है, decomposition है, या फिर reaction is not physical, क्या है आंसर आप बताओगे, कमेंट करके बताओ, नहीं तो आंसर अगर नहीं पता है तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक ध्यान में रखें, आपका दिन शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।